बल्लेबाज ने और खूबसूरती के साथ खेल लिया। बहुत ही ऊंचा लंबा हैंडसम छक्का, जोर जोर ढूंढ के लाओ, लेकिन बेहतरीन और स्कोर पर से क्या कमाल के रन लगे करते हैं नित्या बिल्कुल से इनको बिल्कुल से थोड़ा सा सौगा बन गई थी भाई तो बचा के खूबसूरत शॉट से साथ में अपने इरादे में सुबह साफ जोर किया बिल्कुल से बने बाद अपना आप अलग ही चार जोड़ता है आनंद चले और चिगेर को से यहाँ पर मौका हो सकता खिलाड़ी नीचे इस प्रकार से कई ड्रॉप हुआ लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में बिल्कुल से पर कैच ले लिया है बिल्कुल से एक अकल्पनीय पर सुसनी कैच ले ली एक बार तला जान बिल्कुल से लगा कि यहाँ पर बच गया है लेकिन यहाँ पर बिल्कुल से सेकंड अटेम्प्ट में कोशिश करते रहे लगातार बाल पर निगाह रखा था और यहाँ पर आउट होकर बिल्कुल से नित्या का विकेट जैसे ही मिला सारे खिलाड़ी उल्लास में जोश में तरंग में झूमते हैं क्योंकि जानते हैं विकेट कितना बड़ा विकेट है नित्या एक ऐसे बल्लेबाज है जो नेक्स्ट मोमेंट पे प्रति को विकेट देते हैं अद्भुत बल्लेबाज है बड़े शॉट लिए जाने जाते हैं लेकिन लगातार जैसे छक्का आया था गेंदबाज बिल्कुल से चतु चला गेंदबाज बिल्कुल से अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन में परिवर्तन किया गति में परिवर्तन किया सुरज डिलीवरी उसके बाद एक सब्जी होती है के साथ में यहाँ पर और लगातार है प्रहार आक्रमण करने के फिराक में कोशिश में कावाद में अपना विकेट तो देखे पवेलियन इसमें डगआउट में बड़ी चिंतन मुद्रा में बिल्कुल अपने आप से नाराज महेश खामोद बेहतर क्रिकेट योजना में भारी पाव से एक एक कदम चलना उनके लिए दुश्वारी हो रही डगआउट में उसने दर्शक बन कर जाएंगे और उस समय बल्लेबाजी के लिए देखना है कौन बल्लेबाज आता है आर बहुत बड़ा नाम बिहार का अगर सरफराज बाहुबली के नाम बात किसी के नाम लिया जाता तो केजीआर ये बंदा तो थोड़ी तलवार है जो पहना पन गेंदबाजी में विश्वास दिखता हुई बल्लेबाजी में ये बल्लेबाज समय जरूरता हालात को देखते हुए उसको अच्छी तरह से रीड करता है अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और केजीआर के ऊपर से भी दबाव प्रेशर बने लगे कुछ धुत काटते यहाँ पर लगातार पहले ओवर में दूसरे ओवर विकेट गिरा है थोड़ी सी स्थितियां अनुकूल दिखाई है दूसरी परिस्थिति ना जी छोटा दबाव प्रेशर है अच्छी गेंद आप एकदम पिन आप दौड़ के गेंदबाजी लेकिन अंपायर का के साथ में बल्लेबाजी लाइन में उसको देखते हुए यहाँ पर दोनों बैठक आपस में बातचीत करते हुए और
बड़े लक्ष्य की तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ पर आनंद जिस प्रकार से आज बेहतरीन गेंदबाजी की, लोगों को प्रभावित करने वाली गेंदबाजी की, और जो उनका एक्शन बहुत ही खूबसूरत है, पार्टनर के साथ में काफी लंबा बॉल बॉल का देखा जाता है बल्लेबाज के लिए, और उसने जो पार किया था बिल्कुल से कम होगा, गहरा बंदी और ग्राउंड चारों तरफ यहाँ पर नाकेबंदी हो चुकी है लेफ्ट बल्लेबाज के लिए चल के लिए, और बिल्कुल से पहले काम करेंगे किनारा लेकिन फाइनल पोजिशन में गया, खिलाड़ी पीछे दिया लेकिन ये धोखा दे के निकल गई है फाइनल के बाद, क्या हंडी पोजिशन बचा कर बढ़ा यहाँ पर देख सकते हैं क्या इशारा है कमाल का सारे यहाँ पर दर्शक बिल्कुल से ये देख कर बिल्कुल से मन मस्त है, क्या नजारा है, क्या नटरंग तरीके से बाइक एक्सप्रेशन होता रहता है, भाव भंगना रहता है, और जिस आधार से वो शॉट को बताते हैं चौकों को इशारा करते हैं
जश्न मनाने का सुनहरा मौका स्वतंत्रता मिली है, अपने दल की भी चमक दिखाने का मौका मिला है और यहाँ पर लगातार यहाँ पर खराब गेंदबाजी, हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन अपने लाइन में थोड़ा से पैर को रिलीज करते हुए सेकंड में लेफ्ट को यहाँ पर क्रॉस किया जिसके चलते बल्लेबाज को मौका मिला है, मौका है यहाँ पर बल्लेबाज को बड़े शॉट के लिए और खूबसूरती के साथ में खेल दिया है और ये रॉकेट वाला छक्का, मिसाइल वाला छक्का, कमाल का छक्का, बिल्कुल से तड़का लगा दिया बल्लेबाज को पूरी तरह से और जल्दी कदम मौका ना मौका था थोड़ा सा सफल किया था और बॉल की लेंथ को अच्छी तरह समझा बेचा और बल्लेबाज की रडार में ताले में थी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया है और उसको रचलते हुए कर तो हजम करता रुका का 34 रन 30 ओवर की गति पर रन की गति इस समय बिल्कुल से झटनी तरह रन बहते हुए लक्ष्मण बल्लेबाज के लिए चले खूबसूरत बिल्कुल से बहुत पॉइंट पे खेला है वाइड डिस्कवर बाउंड्री पे और चार रन बल्ले से यहाँ पर नजारा देख सकते हैं लगातार ये नजारा आता है और इसी के साथ में ओवर कंप्लीट और एक शानदार चौका आया है, बहुत ही दर्शनीय चौका, बहुत अकल्पनीय चौका जो बहुत ही ढंग से किया था, बहुत ही बेहतरीन, बिल्कुल सी युवराज सिंह की याद दिलाया है कि हमने क्या कमाल का चौका आया है वाइड डिस्कवर बाउंड्री के बाद और तीन ओवर की समाप्ति पर आगे का ब्यौरा हमारे साथी कमेंटेटर अपने आवाज से जो पूरे उत्तर प्रदेश का टॉप क्लास कमेंटेटर बनकर स्वागत है अभिनंदन वेलकम करते हैं शुक्रिया गुरु दूसरा से तीन ओवर की समाप्ति पे स्कोर है और 30 रन लेकिन दोस्त आप देख रहे हैं घड़ी ये बाबू करने वाली टीम घड़ी देखते रहे और 70 मिनट ले चुके हैं तीन ओवर में 70 मिनट आप खर्च कर चुके हैं तो वक्त ना लें मुकाबला तेजी के साथ लाएं अभी फाइन ग्रुप बारी 11 कुछ कर रहा है दोनों बल्लेबाज टोटल स्कोर 38 शफी के दावे करने के लिए आए शफी में देख रहा हूँ कि दावे करने के लिए आए हैं और छोर से किताबी हो रही है भी अच्छा ड्राइव कर रहे थे के साथ वहां पर ईगल मिलेगा इसी ईगल के साथ स्कोर 42 कार्तिक के साथ पहुंचे दो फिर और कितना बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं तो जी आप दोस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं कैफे आजमी ट्रॉफी टूर्नामेंट के एंट्री की आखिरी डेट 30 नवंबर है सिर्फ 6 टीमों की जगह बची है 10 टीमें हो चुकी हैं 6 टीम बची है पहले रजिस्ट्रेशन करवा लें तो शहदाद भाई चकिया हुसैनाबाद भी देखे जा रहे हैं अबू बसिकर भी देखे जा रहे हैं शहदाद भाई देखे जा रहे हैं और उन्हीं के साथ सभी भाई देखे जा रहे हैं दर्शक दीर्घा में ये लोग हैं और ये बहुत कुछ बदक रहा है खेला है लेकिन कैच की संभावना बन रही है के जी आर की विकेट भी जाती रही बिहार का खबर बल्लेबाज लेकिन आसिफ गेट की तीसरे चौथे दर्जे की टीम के सामने अपने विकेट गंवाया है तो यहाँ पर एक और आघात लगा विकेट नंबर 5 निकला है निराश किया है वसामा अब नवाज शेख जो टीम कैप्टन है साइन ग्रुप सरानिंदा सिंघाम के ये कैप्टन निकले हैं जिम्मेदारी याद पड़ी है कि कोई मुश्किल आन पड़े तो घबराने से क्या होगा जीने की तरकीब निकालो मर जाने से क्या होगा ये बेहतर मुकाबला आपके सामने है मैन पावर कप शहबाज भाई आपका शुक्रिया बेहतरीन ये क्रिकेट के बहुत बड़े दीवाने हैं बहुत अच्छी अच्छी टीमें बनाते हैं और अकबर काली आंधी के काफी करीबी दोस्तों में से भी हैं तो कमेंट्स आदमगढ़ की टीमें सारी नहीं है प्लेयर बाहर के आ रहे अब उमर भी अपना टूर्नामेंट छोड़ कर इस टूर्नामेंट को देखने के लिए आए हैं जो एच ग्रीन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आज यहाँ पर मैन पारपुर मनीष भाई की मोहब्बत में आए हैं कि बड़ी दिशा किया है मनीष उसके टूर्नामेंट को सफल बनाया जाए जगह पहुंचा जाए तो ये बहुत शानदार टूर्नामेंट दर्शकों का नुमान जो टेनिस दुनिया में थोड़ा नाम किया है अपने आजमगढ़ अपने गाँव इसराइली का आज यहाँ पर जहाँ एक फोर व्हीलर है एक सपना यही बचा था मारी 11 का और मारी एक ऐसा नाम जिनकी शादी 18 तारीख को बारात जाएगी दिल्ली लेकिन आज 16 तारीख है ग्राउंड पर है कि मैं टीम को छोड़ के नहीं जाने वाला हूं तैयार अच्छी गेंद पे सही कैसे पुस कर दिया गया बड़ी तेजी के साथ एक रन मिलेगा तो क्या मारी इस फोर व्हीलर में दिलवाली दुल्हनिया लेके आएंगे इस फोर व्हीलर को जीत के लेके जाएंगे ये तो देखा जाएगा लेकिन यही उम्मीद के साथ आए हैं कि इस फोर व्हीलर सूट को लेके जाना है ये तो वक्त बताएगा आने वाला कि बच्चा खिलौना खेलेगा या सिर्फ लेके जाएगा तैयार और फिर ये बहुत खूबसूरत कार्तिक का बल्ला गरजता है पिछली बार भी मैन पावर कप में एक वक्त लग रहा था कि टीम फंस रही है कार्तिक आकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी किया था 6 रन लगाया है इसी 6 के साथ स्कोर जा पहुंचा है अब यहां पर 46 46 रन 46
तो कार्तिक पूरा तीखे का बल्लेबाजी कर रहे हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया। और ये आप देख रहे हैं कि जाहिद प्रधान नामक जगराम उस टॉपिक के मेहमान खास है। और ये कार्तिक उठाया है दूसरा लगातार। अब ये कार्तिक बता रहे हैं कि मैं दिनेश कार्तिक वाली पारी खेल रहा हूं बांग्लादेश के खिलाफ। और फिर दो लगातार इसको वह पहुंचा है बावन। हैट्रिक पर है, क्या हैट्रिक छक्के पे इनाम है? हाँ, 500 रुपए के नहीं पहले छक्के पर था, हैट्रिक सिर्फ का इनाम नहीं है। तैयार है, पक्का फिट और वसूल किया और सुहल का सरप्राइज किया है। विकेट की जाने खेल वहां प्यार है फी कर लेना से। लेकिन अब यहां से क्रिकेटर पे पैर रख रही थी। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 53। कितने मिनट हुए? 4 ओवर 21 मिनट हो चुके हैं। आप तो 4 मिनट बचा दो, 4 मिनट में आपको ये 5 ओवर खत्म करना है। तुरंत जरा तेज लिखा है। शकील भाई भी देख रहे हैं, कुछ इनाम नाम लगाया है जो क्या शकील भाई सोच रहे हैं। यहाँ पर वहां बहुत सारे लोग हैं। रेहान सेंचुरी पीसी ग्रुप उत्तराखंड, जो उत्तराखंड के लगातार इस मुकाबले को देख रहे हैं और उनके इनाम कल से लगने वाले हैं। रेहान सेंचुरी के ही रास्ते में है, आज आएंगे तो अनाउंसमेंट करवाएंगे कि इनाम कौन है। और मनीष एंड कंपनी को मुबारकबाद दे रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ इस बड़े आयोजन के लिए। ऐसे आयोजन की क्षमता हर किसी के पास नहीं है। अब के ताज यहाँ पे आया है। अभी देखेंगे कि दाल डाकू आएगा आजमगढ़ में जो नारी इलेवन में खेलेगा। गेपाज अब्दुल्ला, ये भी गेपाज लिफ्ट ऑफ गेंदबाजी करते, फिर ये देखिए हुक करके लेते, फील्डर मौजूद वहां पर हैं और गेंद चकमा देते हुए पहुंची है 4 रन के लिए। इसी 4 के साथ 57। पहले गेंद बल्ले का बाहरी सिरा और कस्बा मुबारक टू यूट्यूब चैनल पे लाइव दिखा रहा है, रिप्ले आपको देगा कस्बा माहौल आसिफ कमर जो आजमगढ़ क्रिकेट को बहुत दूर लेके निकले, पहला ये लाइव दिखाने वाला आसिफ कमर साहब। आपको बधाई दे रहे हैं जाहिद प्रधान साहब, आपकी मेहनत को सलाम कि आप आमक और असहा तरह सा करीब में है, घूम कर खेलने की कोशिश कर रहे थे। और यहाँ पर फिर आप देख रहे हैं कि बहुत प्यारा और एशियन स्पोर्ट, आप देखेंगे आफ्ताब बाहली को, वो इस धूप में इतना जला है कि रंग उसका तरह सा निकल गया है। नुमान शेख से करीब मांगा है, इधर सा रंग साफ कर लूंगा। तैयार है, एक बड़ा फिर ऊंचा स्ट्रोक खेला है, गिल्डर नीचे आ रहा है और क्या होगा, एक और विकेट, एक और बड़ी विकेट। कार्तिक इज आउट, तो कार्तिक भी आउट है, अब कौन आएगा बल्लेबाजी के लिए? तो इसको यहां पर 57 और ओवर नंबर 5 चल रहा है, 6 ओवर का ही मैच है, तुरंत कुछ कम दिख रहे हैं बोर्ड पर। अब निकल रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, ये बल्लेबाज बहुत निरंतर है, बनारस से है। इनके स्टांस को देखेंगे तो कहेंगे कोई अनाड़ी है, लेकिन जब बल्ले से रन निकलेगा कहेंगे कि खिलाड़ियों का खिलाड़ी है, महा खिलाड़ी है। ये भगवित पर निकला है बल्लेबाजी करने के लिए। सलमान गहनी भी मैंने देखा कि आज इस खेल के साथ जुड़े थे, ये भी खेल करवाते हैं, खेल को बड़ा पसंद करते हैं सलमान गहनी। और अब जब भाई बकरा भी यहाँ पर आए थे जो बकरा कप के आयोजन समिति के अध्यक्ष थे, तो ये सारे लोग जो क्रिकेट के प्रेमी हैं और एक नई फैमिली बढ़ रही है मैनपुर में। मनीष जैसे नाम को अगर आप उत्साह देंगे, हौसला देंगे, तो हो सकता है बहुत कुछ कराने की ये सोच सकते हैं। रघुवीर रघु क्या करेगा, 9 नंबर में है रघु और उनके सामने के पास अब्दुल्ला है और विकेट कीपर बिल्कुल स्टोन से चिपका हुआ है। लेकिन आजमगढ़ टीम 40 रन 45 रन तक आपको बनाने में बड़ी दुश्वारी होगी, क्योंकि बहुत शानदार गेंदबाजी है आजमगढ़ के पास। और फिर जरूर खेला है, फिर वहां पे आ रहे हैं, 1 रन मिलेगा, 2 रन के लिए भागना चाहेंगे, बाउंड्री क्रॉस कर जाएगी 4 रन। और ये देखिए, ये रवि मिश्रा जी हैं, इनका अलग अपना अंदाज है, जैसे चाचा का दर्शकों में अंदाज अलग होता है, उसी तरह से रवि मिश्रा जी के ग्राउंड पे अंदाज अलग होता है। 61 रन 61 तो फाइट ग्रुप मारे 11 सरागर नर्सिंग क्लिनिक की ये टीम अपने संघर्ष कर रही है, इसको जो जीतेगा पहुंचेगा अंतिम 4 में। अपना तैयार स्कोर 61 रन और ये रघु घुटना टेक उठाया है स्क्वायर लेग के सर के ऊपर से 6 रनों के लिए, इसीलिए इन्हें रघु भैया कहा जाता है, रघुवेंद्र को। इसी 6 के साथ स्कोर 59 तक बच चुके हैं। क्या दिलकश ये खेल है और 67 रन मतलब 67 61-67 बताया गया स्कोर, सॉरी पार्डन मी फॉर माय मिस्टेक, स्कोर 60। और ये फिर देखिए उल्टे हाथ से खेला है, वहां कैच की संभावना बन रही थी, लेकिन 1 रन जाएगा स्कोर 1 के साथ 68 रन।
वो की समाप्ति 5/68, 5/68 रन बन चुके हैं। तो 6 ओवर का मुकाबला जरा फटाफट खेलें, तेजी के साथ खेले दोस्त, मजा आने वाला है। और इस खेल में आप देख रहे हैं कि हैट्रिक विकेट पर डायमंड सीएनजी ₹1000 के इनाम लगाया है। स्कोर 68 और हैट्रिक विकेट पर ₹500 के इनाम दीपक साहब मैनपारपुर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लगाया है। राम मिलन विश्वकर्मा जी जो फोर व्हीलर अल्टो दिया आपकी तरफ से, राम समझ विश्वकर्मा जी जो फोर व्हीलर से इंतजार अपनी तरफ से दिया है, और उमेश विश्वकर्मा पल्सर बाइक की तरफ से रिस्पॉन्स किया है। हरदीप जो पहला क्राउड कैच करेगा उसे ₹500 के इनाम, हंसला शेख लाहबरिया एक कंबल दिया जाएगा, और जो टीम जर्सी है जो टीम की किट दिया है कमलेश विश्वकर्मा दिया है, जो चांदी का सिक्का आया है रवि सोनी दिया है, जो ट्रॉफी आई है वो मनोज और हारिस की तरफ से आई है। तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का। तो मनीष भाई आपको तो सारे काम हल्का हो गया, आपको बस सिर्फ देखना है लाइव वालों को और सब तो काम हो गया आपका। ऊंचा स्टॉक हैंडसम ये है राघवेंद्र और एक और छक्का। तो ये दोस्त बहुत कहता है कि 70-70 बाल के छक्के नहीं लगते हैं, राघवेंद्र से कोई पूछे लगा तो सिर्फ जब सही लगाएंगे तभी छक्का लगने वाला है। इसी 6 के साथ स्कोर क्या पहुंचा है 74 रन बन गया, अब पर्याप्त रन हो चुका है मुझे लग रहा बोर्ड पर। और फिर ये देखिए क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, और ये अंपायर क्या है 4/6 स्कोर 80। तो राघवेंद्र के बारे में कहा गया कि कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं रहते, कलंदर संग मरमर के मकानों में नहीं मिलते, ये देसी घी है बनिया की दुकानों पे नहीं मिलते। राघवेंद्र देसी घी है, हर जगह नहीं मिलता है, जहां रहता है वहां छाप छोड़ देता है। स्कोर 80 तैयार हो रहा है गिरदास, 11 नंबर की चिप के खबर लिया फिर है टिक पर है, और ये दिलीप बेताबी कर रहे हैं और नीचे रहती हुई गेंद वहां पर पीट करने में कामयाब, स्कोर 80 बन चुका है। तो मारे जो टीम ये बल्लेबाजी कर रही है पखरा कप जिला स्तरीय जहां 15 जिले आए थे चैंपियन बनी थी, उन्हें एक तोहफा दिया गया था अशरफ को, आज क्या ये सेमीफाइनल में पहुंचा कर एक और तोहफा दिया जाएगा। हल्का सा ड्राइव एक रन लेगा स्कोर 81-81 रन। अब नुमान शेख क्या वे फिनिश करेंगे, किस वहां से बल्लेबाजी करेंगे देखा जाएगा। हाँ वक्त देखा जा रहा है ठीक है, वक्त कैसे ही वक्त 5/14 में कर दिए गए थे, छठा मर जारी है 4:22 और वहां पे 28 मिनट हुए हैं तैयार। और नवा शेख हल्का सा से फ्लिक कर दिया है, इसको लेगा फाइन लेके 20 से मात्र एक रन मिलेगा, इसको इसे एक के साथ जब पहुंचा है 82 रन। दिलीप गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं और रघु से बात कर रहे हैं सारे लोग, साइन बोर्ड और सरानीर नर्सिंग होम मारी खान ये कह रहे हैं कि एक और छक्का लगाओ तो काम बनेगा। वही आसिफ बट की टीम भी विकेट तलाश रही है, तो किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे देखा जाएगा। बहुत ही दिलकश मुकाबला आज आपके सामने है, हमारे शिवाजी भी इस मुकाबले को देख रहे हैं, कल हमारे साथ प्रभाव में खालिद सिद्दीकी होंगे। ओह माय गॉड बहुत खूबसूरत हैंड सब सिक्स रघु ने फिनिश किया है, बहुत प्यारे अंदाज में रघु ने फिनिश किया और स्कोर उसी के साथ जा पहुंचा है 88-89 का टारगेट। 6 ओवरों में 15 का लगभग औसत लेकर मुश्किल है नामुमकिन नहीं है, लेकिन आजमगढ़ के बल्लेबाजों से कहा जाएगा जो सेवन हिल्स पर आजमगढ़ है कि तूफानों से आंख मिलाओ सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ तैर के दरिया पार करो। तो तैर के दरिया पार करनी होगी, या यूं कहा जाएगा कोई खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। सिविल इलर डेवलपर आजमगढ़ आपको आज चुनौती है, आपको पाने के लिए कुछ भी नहीं है, खुद पाने को कुछ सब कुछ है, खोने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके सामने की स्टार टीम है जो आप कहेंगे कि ये हर टूर्नामेंट में छाप छोड़ दिए कि हम जीते या ना जीते, लेकिन लोगों की निगाह में फ्रेम में बने रहते हैं कि हम टूर्नामेंट के जीतने वाले हैं। लेकिन आज क्या होगा, किस तरह से अपने खेल को दिखाएंगे ये देखा जाएगा। बहुत शानदार ये खेल आज आपके सामने है, कैसी आजमी ट्रॉफी की अंतिम डेट जो है आपको बताया गया कि 20 नवंबर है, शबाना आजमी आएंगे इस टूर्नामेंट का उद्घाटन करने के लिए, ये चीज बताए बिल्कुल पहुंचे बल्लेबाज। आओ बताओ
नेशनल स्पोर्ट सारा जय चक्कर और तो वही चक्कर पता है कमान जानो तो क्या भाई ने ब्लॉक फोन करके पढ़ाई लेरवा का मामा भाई थे हमने करता हिल गया सब हिल गया चालू है आईडिया चालू है सब हिल जाएगा सब ऐसे दोस्त से मिलते हैं जो लोग इस खेल के साथ हुए हैं। दोनों बल्लेबाज आ जाएं बल्लेबाजी के लिए और 89 का टारगेट है 6 ओवरों में, तो दोनों बल्लेबाज नमूदार हैं, चमके बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, बहुत शानदार बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोस्त, तब जाके काम करने वाला है। शिवम एबीडी नाम का एक शानदार गेंदबाज है, डाकू है, वसामा है, तीन गेंदबाज आज नाक में दम करने वाले हैं। तो फिलहाल दोनों सामान्य बल्लेबाज इस समय बिल्कुल से पहुंच चुके हैं, बहुत बड़ी रिश्वत पहुंच चुके हैं और टाइम से ध्यान दीजिए और पहले ओवर की जिम्मेदारी कृष्णा मूर्ति वर्ल्ड गोल 24 करेट का सुख सोना उम्र धमान पर जवानी शराब पर बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। शुक्रिया वीर गोविंद साहब। टारगेट कितना है? 89 है ठीक है, 6 ओवर 89 यानी 15 रन। तो पावर प्ले का इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया रवि मिश्रा जी। 4:26 का मैच हुआ है और खूबसूरत बिल्कुल से ड्राइव आप पहले क्लिक सॉरी यादव साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए कि आजमगढ़ ब्रांड का आगमन इस मैदान पर होने वाला है। आमिर इफ्तिखार ओवरसीज ग्रुप साजिद इफ्तिखार ये दोनों ब्रांड आ रहे हैं। मैच तो चल रहा है, बाउंड्री की तरफ आई जो नहीं बाउंड्री करा सकते, आखिरी कोशिश की उसामा से एक बेहतरीन ऑलराउंडर आजमगढ़ क्रिकेट का, लेकिन यकीनी तौर पर 6 ओवर में 89 रन चेस हो सकते हैं। आजमगढ़ की एक मजबूत टीम है, उनके कोच संदीप सिंह ने कहा कि हमने टीम लास्ट 2 घंटे में बना दी, नौजवान के साथ हादसा हुआ लास्ट 2 घंटे में, मनीष भाई की मोहब्बत में हमने टीम खड़ी कर दी, लेकिन 4 6 खिलाया आजमगढ़ ने, दर्शकों का दिल जीत लिया। व्हाइट का सिग्नल आ रहा है, मैं प्रधान चाहिए खान आमद का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, नेशनल स्पोर्ट का, मैं तमाम मेहमानों का, मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोला हूँ अफगन प्लीज अफगन, मैं अभी अपना व्हाट्सएप खोला हूँ, 22 से 23 मैसेज, लेकिन मजबूरी थी कि पहले मैच को देखते शाम को और सरसार का दो यहाँ पे फिर एक गेट बेहतरीन गेंदबाजी चल रही, क्या बेहतरीन गेंदबाजी, एक अच्छा मैच, सरसार का भी एक आदमी तो बहुत ढूंढा जा रहा था शहजाद खान कौन है ये, लेकिन वो यहीं पर है, वो चकिया ही के है, इसी पड़ोस का गांव चकिया है, भाई हमारे पीछे आए थे, अच्छा पीछे ही, अच्छा भैया शुक्रिया, बहुत बेहतरीन प्लेयर है फिलहाल, और खूबसूरत प्रहार किया है, बहुत ही ऊंचा गया गया खिलाड़ी नीचे, क्या बेहतरीन कैच लिया लाला प्रोफेसर ने, बेहतरीन कैच, असंभव को समझ गया कपाल का बिल्कुल थी वो सामना पूरी तरह से लगा कि ये गेम है शानदार कैच, लेकिन शर्मान का सरदार दिया हुआ भी साहब लंबाई को कंट्रोल करते हुए एक अच्छा कैच, यहाँ पर एक विकेट के थोड़ा पाने के बाद यहाँ पर निश्चित तौर से गेंदबाज इस समय कृष्णामूर्ति काफी विश्वास भरा गेंदबाजी और नुमान एंड कंपनी जो बिल्कुल से कहा कह सकते हैं बिल्कुल से एक क्रिकेट के चाणक है जो योजना बनाने माहिर परिपक्व खिलाड़ी है और ये खिलाड़ी बिल्कुल से कहा आजमगढ़ का पूर्वांचल का जनक है, बीज पितामह है जिन्होंने क्रिकेट पैदा किया है और ये उदीमान सितारा ओल्ड एज गोल 24 का रिकॉर्ड से दुचोना उम्र ढलान पर जवानी शबा पर और बात करें नुमान की उनका कोई सारे कोई जवाब नहीं लाल जवाब बैटर से है और कप्तानी वसामा को 100 रुपए की इनाम आया है अकील साहब मोहम्मद फूल की तरफ से इस कैच का निपट पावर प्ले चलता
लिखा है सेवन हिल्स डेवलपर आजमगढ़ नाम लिखा और अच्छी गेम मोदी से आसमान चार तो सेवन हिल्स आजमगढ़ इस समय पूरी तरह से कमाल की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी भूचाल तूफान एकाक्रमक बल्लेबाजी करने के चलिए तो शुरुआत दिलानी पड़ेगी दोनों बैटर्स को और अच्छी खेल जो किसी बॉल को खेल दिया इसको लेकर सबके खिलाड़ी को पीछा किया लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आराम साथ में एक रन लिया है बिल्कुल एक रन से कोई दिक्कत कोई परेशानी फिलहाल होने वाली नहीं है उस प्रकार से ओवर समाप्त एक ओवर की समाप्ति पर एक सात रन हो गए चार घंटे चलता हुआ और दोनों बैटर्स को काबिलियत होना जरूरत है और अगर रन गए जम गए बिल्कुल से तूफान बचा सकते हैं और दोनों बैटर्स को यहाँ पर बिल्कुल से सुस्ती के साथ आलस साथ में बल्लेबाजी करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर अटैक करना पड़ेगा प्रहार करना पड़ेगा आक्रमण करना पड़ेगा एक बड़ा लक्ष्य मिला है 89 रनों का टोटल मिला छह ओवर में और दोनों बैटर्स के इरादे मनसूबे साफ जाहिर करते हैं कि बल्लेबाज पूरी तरह से इस मुकाबले में डट कर मुकाबला करते हैं उस समय डाकू के नाम से फेमस एक खिलाड़ी उनको थे भाई कर सुनाई गिरदाने के लिए जाना जाता है और क्या कमाल की एक्सपीरियंस है बिल्कुल से वेरिएशन है रफ्तार में कंट्रोल और अपनी दिशा लेंथ को कंट्रोल करते हुए गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजों पर आंकुश लगाते हैं शिकंजा करते हैं जकड़ते हैं और इस समय विकेट कीपर चुके हुए बिल्कुल से और अच्छी गेंद बिल्कुल से आप स्टंप पर टप्पा खाने का अंदर आते ही और अंपायर बिल्कुल से बल्ले का दूरी किनारा लेके विकेट कीपर के दस्तानों में और इस प्रकार से बड़ी दर्द मेरा बेनमें आपसे नाराज मायूस खामोश इस समय और विकेट कीपर अब पाने के बाद इस समय बिल्कुल से डाकू ने टाका डाल दिया बिल्कुल का यहाँ पर चोरी कर लिया है और कमाल का इस गेंदबाज को पढ़ना हिट कर दुश्वारी हो रही है मैं चंदन का सा नाम बताया डाकू का रियल नेम क्या ये डाकू तो कहे जाते हैं इनका लोग नाम जानना चाह रहे हैं जयंत शर्मा है लेकिन ये क्रिकेट में डाका कर देते हैं कितना भी करते हुए डाका मार लेते हैं चतुर चला गेंदबाज है जीतु शर्मा उपनाम इनका डाकू के नाम से फेमस है वास्तव में जो नाम रखा गया नामकरण हुआ है उस पर बिल्कुल से खड़े उतरते हुए और अपने कप्तान के उम्मीदों पर बिल्कुल से खड़े उतरते हुए ये खिलाड़ी और खूब सूरत रहा कद्दू वाला छक्का मिसाइल वाला छक्का जोर जोर ढूंढ के लाओ झुमका गिरा बरेली के बाजार में इसी प्रकार की बल्लेबाजी करने की जरूरत है और इस समय बल्लेबाज ने बिल्कुल से टाका डाल दिया है और इस समय गेंदबाज के हौसलों को पस किया है और फोकस से सफल किया था बिल्कुल से आप अपनी जगह पे खड़े खड़े इनको खेलना बहुत मुश्किल होता फोकस से सफल किया था और कनेक्शन आया है और अच्छी गेंद बिल्कुल से यहाँ पर कटर बिल्कुल से आप स्टंप पे टप्पा खाने के बाद बाहर निकलते हुए स्लो डिलीवरी क्या कमाल का ये गेंदबाज है बिल्कुल से कितना कॉन्फिडेंस कितना विश्वास है बिल्कुल से और नियंत्रण देखे दिशा लंबाई देखे बिल्कुल से नाप तौल के गेंदबाजी करते हैं और बिल्कुल से विमान कंपनी के कप्तान से बिल्कुल से और यहाँ पर और उस समय देखना है कि कप्तान विमान के पास बहुत दिक्कत
काफी गेंदबाजी लाइन अपेंट के पास और तीसरा ओवर देखना कौन गेंदबाज आता है इस समय और इस समय शुभम हेलेटी इस समय कृष्णा सत्यपति इस समय बीरू तो फिलहाल तीसरा ओवर इस समय बाकी स्थिति हो सकती कृष्णा मूर्ति बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है पूरे भारत में खेलने का अद्भुत तजुर्बा है और काफी गेंद के साथ में गेंदबाजी करते हैं आप यूपी शील्ड देखे होंगे सेवापुरी में उन्होंने देखा होगा लंबे पर सवाल को चले ऐसे ही मैंने बात की धन्यवाद खूबसूरत हमारे एक और लंबा छक्का पावर जनरेट किया भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया फैसला जो भी है मंजूर होना चाहिए इसको अचम हो भरपूर होना चाहिए ये मुकाबला सूर्य चढ़ता हुआ पवार चढ़ता हुआ दोनों बैटर से पूरे सभा में जोश मिले निगम में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा मूर्ति के ऊपर अटैक करता हुआ आतिशबाजी करने के लिए फैसला काफी बेहतर और बैट बिल्कुल से कमोल की गति का इस्तेमाल किया लेकिन गली पॉइंट पे एक क्षेत्र से लगा कर रखा है से यहाँ पर रन की कोई गुंजाइश नहीं और 30 ओवर प्रगति पर चलता हुआ शाम के लाइन पर स्कोर 22 रन और नवाज शरीफों का एक दो साल लक्ष्य मिला है लेकिन ये फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए लेकिन ये मुकाबला बेहतर रहा तो टीमें अच्छा काटे सकता हुआ गेंदबाज चले पकड़े इसको पकड़े में बाहर बिल्कुल जो बाहर खेल दिया है आगे भाला के रास्ते गई है बिल्कुल से यहाँ पर स्कोर लगता खिलाड़ी बिल्कुल से इस प्रकार से अंपायर का इशारा बिल्कुल से उनका आगा क्या आगा के जरूरत तेरे पारो जित कर देते थे बेहतरीन आगा है स्पेशल भाव भेजना है और अब तक वीरू आप लगातार हर घर कमेटी करते हैं बड़े बड़े टूर्नामेंट में जाते मैं देखता हूँ छेवर में नवासी रन चेस करना में कठिन नहीं मानता क्योंकि कैरियस का टूर्नामेंट है और वो आप लोग की अपनी बात है दर्शक को मैं शुक्रिया भी अदा करूंगा कि पहले दिन के टूर्नामेंट में पहले मैच में 10 से 15 हजार का दर्शक आना इस बात का सबूत है कि टूर्नामेंट कामयाबियों की पंक्ति के झंडे गाड़ने वाला है क्योंकि टीमें जो खेल रही है आजमगढ़ मुकाबला कर रही है बुधनी टेक्निक ये तैयार नहीं है और यही टीम होती है क्रिकेट यही होता है कि बड़ी टीमों के सामने आप घुटने मत टेकिए उससे मुकाबला कीजिए हार मानिए मत हार मानने वाले की हार हो जाती है कहते हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और ये अच्छा मैच है हर तरीके से हम अपने दर्शक का सम्मान करते हैं क्योंकि दर्शकों के लिए बहुत इनाम है और कल भी इनाम आएंगे रघविंदर का इनाम यहाँ पे पड़ा हुआ है 100 रुपया उसामा का कैश भी दिया गया अकील खान मोहम्मदपुर की जानिब से उनका भी इनाम है जो भी इनाम दिए जा रहे हैं सबका वेलकम है इस टूर्नामेंट के लिए और खास तौर से पिच बनाई है राणा यादव ने बड़ी मेहनत की है 3-4 दिन के अंदर मेहनत रघविंदर की रणधीर की और ये गोरी मोरिया ने फेसबुक पे बड़ी मेहनत की अब बहुत सारे नाम है कल सबके नाम आएंगे नाराजगी अगर आपको उसके लिए हम माफ़ चाहते हैं सबके नाम डॉक्टर बलराम जी पूरे सांसद लालगंज डिफेंस किया गया इसको और अभी एक रन कितना रन मैं स्कोर से जानना चाहूंगा 24 टारगेट नवासी दूसरा या तीसरा ओवर चल रहा है यानी इसके बाद 18 गेंद है और टारगेट बहुत लंबा है 89 रन यानी हर ओवर में भी 15 रन हाँ 19 गेंद में 66 रन बनाने के लिए कल वो जो सनसन का तूफान आया था तिलक वर्मा का वैसा कुछ तूफान चाहिए शुक्रिया तुरंत जा रहे थे थैंक यू अखबार भाई लगातार काटी में धोरे कुमार साहब ने वेलकम शो में अभिनंदन करता हूँ निगम में अभय भाई तो शुक्रिया बेहतरीन खेल दादी के दादी को देखने आए हैं शहजाद भाई चकिया हसनाबाद इस खेल के साथ जुड़े उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपके हौसला अफजाई के लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ये बहुत ही प्यारा नाम चकिया हसनाबाद की सजनी से डाकू तैयार है दादी करने के लिए और बहुत उनका ये देखिए दोस्त बल्लेबाज बेचारा करे क्या करे ये दो तीन एक्शन में आती है बहुत ही सामने जो खड़ा बैठ जाएंगे ब्लेक में जो ब्लेक ब्लेक टी शर्ट लेवर पहने बैठ जाए आप इसे कहा जा रहा है अभी सामने जो कमेंटी बॉक्स के सामने आप खड़े हैं हेलो माय डियर फिर जाए और
फिर 39 स्टॉप खेला है, फील्डर इसके तरफ आ रहे हैं, रविंदर है ये कैच कर लेंगे। तो इस तरह से लगभग मारी 11 फाइन ग्रुप मैच में अपनी पकड़ बना चुके हैं और 100 रुपए के नाम बसावा को आया है अकील साहब मोहम्मदपुर, 200 रुपए के नाम रविंदर को आया है अकील साहब मोहम्मदपुर। और तमाम लोगों का शुक्रिया, अबू उमर सिकरे, शकील भाई, शहजाद भाई चकिया हौसलाबाद, जाहिद प्रधान आवक, आप लोगों का शुक्रिया। लेकिन बारी 11 जो फाइन ग्रुप है ये अंतिम चार में देखा साहिल हो तो हैंडल कर रहे हैं। जी हाँ, ये तो साहिल पहचाने जाते हैं, साहिल आ रहे हैं। ये 1000 करवा दीजिए, 300-400 तो भाड़ा ही हो जाएगा उनका। बेहतरीन संभावना एक और विकेट मनी भाई कमेटी के पास में आ जाए और कल जो चार टीमें हैं उसका अनाउंसमेंट करवा दी। दर्शक उत्सुक है तो शकील भाई आपका भी शुक्रिया, शकील भाई भी लाइव फेसबुक चला रहे हैं। आसिफ भाई सबको चस्का दे दिया है, लाइव चलाने वाला चस्का सबको दे दिया है कमर आसिफ कस्बा माहौल। लेकिन बल्लेबाज तुरंत आ जाए, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी शहजाद भाई चकिया भी जुड़े थे हमारे साथ, मैं उनका भी आभार व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन खेल बहुत प्यारा है, मैं पार्कपुर कप आयोजन समिति का सलाम इस मेहनत के लिए, इस बड़े टूर्नामेंट के लिए। और बल्लेबाज नए आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए, किस तरह से बल्लेबाजी करेंगे। और उमेश विश्वकर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने पल्सर रिस्पॉन्स किया है, जो सुन दे रहे हैं। और राम बेन विश्वकर्मा जी जो अल्टो दे रहे हैं, राम समझ विश्वकर्मा जी जो सुन डिजायर दे रहे हैं, और दीप जर्सी जो कमले से विश्वकर्मा भी दे रहे हैं। और हैट्रिक पर है दोस्त, ये बल्लेबाज हैट्रिक पर है, तैयार है, डाकू है। अब डाकू आप एक ही चीज बचिए, हैट्रिक पूरी कीजिए, काम बनेगा आपका, बहुत इनाम सीएंगे। तो क्या जबरदस्त दोस्त, ये दोनों तरफ घूम रही है, कभी अंदर कभी बाहर, वाइड बॉल का इशारा है। टीम की जर्सी कमलेश विश्वकर्मा, चांदी का सिक्का रवि सोनी, ट्रॉफी मनोज और हारिस दे रहे हैं। तो ये सारी मुश्किल को आसान करके मनीष एंड कंपनी का डाकू इस पर फ्लाइट दिया था, बहुत शानदार फ्लाइट थी और ये बीट किया दिया यहाँ पर। तो ये ओवर की समाप्ति हुई, चार ओवर की ठीक रन दो साढ़े सर में एक वाइड का बना, बैट रन नहीं आया, 4 ओवर 25 रन। तो सारे दर्शक धीरे धीरे जा रहे हैं, असिफ की खुशी का ठिकाना नहीं है। बाबी 11 क्लिनिक के जो ऑनर है, सामी नर्सिंग क्लिनिक के जो ऑनर है असिफ, वो आज अपने आप से बात कर रहे हैं। आप एक साइड ग्रुप भी अपने आप से खुश है कि अब हम लोग 20 तारीख को आएंगे, लाहौल लश्कर के साथ आएंगे और बड़े नाम ग्रामी लोग आएंगे उस दिन। तो मनी भाई आप ऐसा कमेंट बात सुन रहे हैं और कस्बा माल फेसबुक पेज रिपोर्ट जाते वक्त निकल जाना दोस्त। विश्वकर्मा मिलन विश्वकर्मा के हाथ से दिया जाएगा, मेरा तो मैच का नाम, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वसामा और रघुवंतर भी आ जाएंगे आपका इनाम है। अब ये पांडा 0-7 और फिर पल्ले पे खेलने के लिए गए थे, लेकिन ये हमारा आउट का चांस बन रहा था, फिर भी एक नहीं जाएगा। स्कोर 26 रन, 89 के जवाब में रघुवंतर के तूफान आया था जो आखिरी वक्त में बहुत तबाह बल्लेबाजी रघुवंतर किया था। रघुवंतर सबको आजमा रहे हैं, नवाशी और पखरा कप की विजेता है, जिला स्तरीय क्रिकेट की चैंपियन बन के आई है और वही सोच लेके निकले हैं, तैयार है गेंदबाजी करने के लिए, बहुत दिलकशी खेल और फिर यहाँ पे हवा में खेला है। कल की चार टीमों का नाम बताएंगे मनी भाई और ये आउट का इशारा आ रहा है, क्या जबरदस्त अंदाज दस रिबॉर्डन से भी प्यारा अंदाज है। एक और विकेट मिल रहा है यहाँ पर, ये खेल बहुत शानदार तरीके से ये खेल चल रहा है। कस्बा मुबारक हुआ है
इंसानी से फिर वहाँ पर खेला है एक रन के लिए सही एक रन के साथ स्कोर का पहुंचा है 27 रन स्कोर का पहुंचा 27 रन बेहतरीन ये खेल आजाद के सामने देखा जा रहा है नहीं। तो सलमान गहनी भी देखे जा रहे हैं यहाँ पर कि ये बहुत ही शानदार 70-70 की बाल को चेक कर रहे हैं बाल नहीं लाल वाली बाल है सारी का ये भरत है और फिर मैं देख रहा है एक और विकेट वर्षावा से बल्ले से नहीं गेंद से कमाल कर रहे हैं गेंद से कमाल कर रहे हैं तब 6 विकेट मैं ले चुके हैं और बहुत शानदार ये ऑलराउंडर का यही फायदा होता है बैट नहीं चला तो गेंद चलेगी और अब नए बल्लेबाज आ रहे हैं 7 हेल से खेलने पर आसमगढ़ दबाव में है और फाइन ग्रुप मारी 11 फ्रानेर नरसिंह के लिमिट गुड गए लेफ्ट हैंड बल्लेबाज आया है मैं ठाकुर का मनीष का एक शानदार बन रहा है ये टूर्नामेंट पुरस्कार पहला दिन पहले दिन का ये मुकाबला कटनी मध्य प्रदेश के घर जाना पड़ा लालगंज के घर जाना पड़ा और क्या एक और शानदार मैच रहा है यह जीत की तरफ अग्रसर हो रहा है और ये सीधी जा रही है बाउंड्री की तरफ गली से होती हुई 4 रन इसी 4 के साथ 31-31 नवासी के जवाब में 31 रन बने हैं दोस्त लेकिन क्या बेहतरीन गेंद शकिया रघुवंदर ने वसावा ने टाकू ने डेबिडी यानी हर किसको जिसको जिसको चांस मिला उन्होंने बहुत शानदार खेल दिखाया तो आप उमर सिकंदरी देखे जा रहे हैं शहनवाज भाई हैं शकील भाई हैं ये लोग इस खेल के साथ आज जुड़े हैं अभी उमर के पास लंबी है उनका मैच 23 तारीख को है लेकिन मनीष भाई की मोहब्बत में आए कि चलो टूर्नामेंट को कामयाब बनाया जाए तैयार है दौड़ना शुरू किया और फिर मरतबा पटकी हुई गेंद वसावा लेफ्ट हैंडर के लिए बहुत ही कहर बापा करते हैं ओवर की समाप्ति का ऐलान किया गया 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है मात्र 31 रन मैं तो कहा था कि अगर 50 बनेगा तो भी दिक्कत पैदा कर देगी टीम तो अब के पास कौन आ रहा है किताबी के लिए देखा जाएगा राघु बेहतर किताबी के लिए दोस्त चलो आप भी अपनी किस्मत को आजमा लो कुछ विकेट निकाल लो शायद सीरीज में काम आए पल्सर है छोटी मोटी बाइक नहीं है पल्सर है तो सीरीज की दौड़ में दौड़ना होगा तो रन और विकेट दोनों निकालने होंगे अकील साहब मोहम्मद दूर ये इनाम दिया है दोस्त वसपा पांड्या को सब रविंदर को 200 मैच की बात आ पाएंगे लपना इनाम लेंगे और फिर उनका स्टॉक खेला है मिराफ की जाने फिर वहां पे आ रहे थे लेकिन एक रन जाएगा इसका रिसीव एक के साथ बिलाल साहब बन रहा है जो उससे फोर व्हीलर एजेंसी के मेंबर में से हैं वो भी यहां मौजूद है मनकारी शुक्रिया कि ये दो फोर व्हीलर हमारे बीच जो मौजूद है इन्हीं की देन है कि यहां तक आई है और जो इनाम दिया गया है बहुत सारे नाम है दोस्त सीएनजी ₹1,000 के इनाम दे रहा है कि विकेट लेने पर है तो विकेट पे डायमंड सीएनजी ₹1,000 का इनाम देगा 3 लगातार विकेट लेने पर और नेशनल इसको फाइनल मैच में देगा एक बल्ला और रहान सिटी पीसी ग्रुप देहरादून उत्तराखंड का बड़ा अच्छा योगदान कल आने वाले हैं यूथ आइकॉन आजमगढ़ आमिर वर्सेस ग्रुप कैच की संभावना मिल गया रविंदर को विकेट जिसके लिए बुलाया गया था रविंदर को विकेट मिल गया ये विकेट नंबर कितने के हैं दोस्त ये 7 विकेट जा चुके हैं 7 विकेट अब तक जा चुकी हैं और आजमगढ़ मैच की पकड़ बना चुका है कौन आजमगढ़ 7 खेल पर आजमगढ़ नहीं ये फाइन ग्रुप मारे 11 सरामेर किले ने अपनी जीत की द्वार दरवाजे को खोल लिया है अंतिम 4 में प्रवेश मिलने वाला है और बहुत अच्छा काम किया कि आज वक्त पे आए अपनी टीम को लेकर आए इस मनीष एंड कंपनी के टूर्नामेंट को कामयाब बनाने का सफल प्रयास किया शुक्रिया आपका और फिर ये पटकी हुई है जोरदार एक और विकेट यस 2 विकेट यहाँ पर रघुवीर को मिल चुका है हैट्रिक पर रघुवीर आ गए हैं हैट्रिक पूरी करेंगे तो उन्हें 1,000 का इनाम डायमंड सीजे जो आपके बिल्कुल करीब में है लोकेशन उसी का दिया गया स्वामी का तो कस्बा माहौल फेसबुक पेज एसएल स्पोर्ट एमएस स्पोर्ट दिलसन क्रिकेट और आज के साथ कस्बा मुबारकपुर इतने सारे नाम है दोस्त नाम लेने में सोचना पड़ता है कि 5-5 6-6 लोग का नाम लगातार लेना पड़ेगा
और ये कमेटी बहुत बड़ी वाली है कि इतने सारे लोगों को इकट्ठा किया है यहाँ पर। कल हमारे साथ तालिब सिद्दीकी होंगे इस कमेटी बॉक्स में और ये लगभग मैच की जीत की द्वार पे खड़ा है। चल आ जाए बल्लेबाज तो अशरफ शायद ग्राउंड पे देखे जा रहे हैं कि जीत हमें मिल चुकी है क्या। हाजी बाज भी इनके साथ है, ये दोनों दोस्त भी हैं और दोनों करीबी हैं और आज बाज जाकर आराम से सोएंगे और अशरफ भी आराम से सोएंगे कि बल्लेबाज आ जाए, बल्लेबाज तुरंत आ जाए। चलिए अपने हार को स्वीकार कर लिए हैं, चलिए आ जाइए वैसामा शेख, अपना 100 रुपए के नाम अकील साहब की तरफ से दिया जाएगा आपको जो आपने शानदार कैच किया। और रघुवेंद्र जी रघु जी आइए, आपको 200 रुपए के नाम अकील साहब मोहम्मदपुर ने दिया है आपको।